गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर। तो जो सम होगा दो नंबर्स का वो ऑड होगा तो क्या होगा, इवन होगा तो क्या होगा, ऑड नंबर इवन। तो हम क्वेश्चन वन का जो फर्स्ट जो ए पार्ट है वो सॉल्व कर रहा हूं मैं अभी। तो मैंने क्या किया, दो नंबर ले लिए, तो पहले से ऑड नंबर लिए, तो ऑड नंबर ले लिया 3, दूसरा ले लिया 7, तो आ गया 10। अगर दो ऑड नंबर ऐड करें तो आंसर हमेशा इवन आएगा, क्या आएगा, इवन। तो आंसर इवन नंबर, इवन नंबर। अब जो इसका बी पार्ट है उसमें इवन नंबर लिया, तो इवन लिया मैंने जैसे 2, 4, तो 2 + 4 क्या होता है, दैट इज 6। इसका आंसर भी क्या है, इवन नंबर। तो ये भी क्या रहा है, इवन नंबर। अब जैसे दो इवन नंबर, अगर हम अगेन लेते हैं कोई और दो इवन नंबर, मैंने ले लिया 8 और 10 भी इवन है, तब भी 18 इवन नंबर आता है। तो ये ऑड और इवन क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो इवन नंबर होंगे इवन, तो उनके वंस प्लेस पे 2, 4, 6, 8 10 भी ले लेते हैं, या यहाँ पे 0 भी ले लेते हैं। तो ये वाले जो होंगे वो वंस की पोजीशन पे होने चाहिए। अब जैसे 12 का वंस 2, 14 का वंस 4, 16 का वंस 6, 18 का वंस 8 और दोबारा 20 वंस पोजीशन। तो इवन नंबर हो गए। ऑड क्या होता है, ऑड ऑड होता है जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ओके। तो ये भी वंस पोजीशन पे, जैसे 11 आ गया, नेक्स्ट 13, 15, 17, 19, फिर 21, तो आगे चलते रहेंगे। ये इवन नंबर थे और ये ऑड नंबर थे। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 रहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है स्टेट व्हेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। अगर 3 ऑड नंबर ऐड करें तो आंसर क्या आता है, इवन आता है कि ऑड आता है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको अभी। अगर मैं कोई भी 3 ऑड नंबर लेता हूं, जैसे यहीं भी मैंने चेक करने के लिए ले लिया ऑड नंबर कौन कौन से, तो इसका आंसर रहेगा जैसे 1, 3, 5 लिया तो आंसर कितना आता है, 9। तो लिखा क्या है, मैं 3 ऑड नंबर लिए उनका सम किया तो आंसर आया 9। तो अब लिखा है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। अगर 3 ऑड नंबर का सम करें तो इवन आता है। तो हमारे पास कौन सा नंबर आया, ऑड आया, तो हमारे पास क्वेश्चन होगा फॉल्स। आगे द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर। अब मुझे 2 ऑड लेने और एक इवन है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं भी। अब मुझे 2 ऑड नंबर लेने हैं, 1 + 3 और एक इवन नंबर लेना है, इवन भी ले लिया तो आता है 6। तो ये होगा 2, ये क्या होगा, तो ऐसे ही हम आगे भी सॉल्व कर लेंगे सारे के सारे पार्ट्स। हमारे पास सी पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। तो प्रोडक्ट देख लेते हैं ऑड नंबर्स का क्या आता है हमारे पास, तो 1, 3, 5, तो 15 आ गया, 5 × 3 = 15। तो द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, तो ये दैट इज ट्रू। इफ द इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, द क्वेश्चन इज ऑलवेज
ऑड। तो अगर इवन नंबर को डिवाइड करें तो उसका आंसर क्या आएगा, इवन ही आएगा, तो डी होगा। तो डी हमारे पास फॉल्स में रहेगा, डी का आंसर फॉल्स। ऑल द प्राइम नंबर आर ऑड, तो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम रहता है, प्राइम नंबर रहता है वो 2 रहता है। तो ये भी क्या है, ये पार्ट भी फॉल्स हो गया। एफ पार्ट है, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, तो प्राइम नंबर के कोई भी फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो प्राइम नंबर के होते हैं भी फैक्टर्स, एफ। आगे सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, तो सम ऑफ दो प्राइम नंबर का आंसर इवन आता है। तो कर लेते हैं, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है, सेकंड 3, आंसर 5। तो जो सम ऑफ टू प्राइम नंबर होगा वो भी क्या आया, फॉल्स। अगर दो प्राइम नंबर का सम करें तो इवन नंबर आता है, ऐसा लिखा था इसमें, हमने सम किया तो ऑड नंबर आया। तो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ये राइट है। एच पार, और आई बेट ऑल द इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, तो ये फॉल्स है, इवन नंबर कंपोजिट नहीं होते हैं सारे के सारे। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, तो ये लास्ट वाला ट्रू है। दो इवन नंबर चेक कर लो, 2 × 4 = 8, कोई भी टेबल लगा लो जो इवन आता है वो हमेशा उसका आंसर इवन ही रहेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, द नंबर 13 और 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर हैव सेम डिजिट्स 1 और 3, फाइंड सच अ पेयर ऑफ नंबर अप टू 100। तो हमें 100 तक ऐसे पेयर निकालने हैं जो ऐसे बनते हैं, जैसे 13 का 31 बन गया, तो फर्स्ट हो गया ये प्राइम नंबर्स। तो हमने पहले राइट कर रहे हैं, अभी हमने जो राइट किया वो है जैसे 17 का 17, जैसे 17 लिखा तो 7 पर बनता है प्राइम नंबर का, 37 का 73, 79 का 97, तो हमने अप टू 100 राइट कर लिए हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। सेपरेटली प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर लिखे हैं, तो हमने प्राइम नंबर लिखे अभी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, और ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर लिखे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 14, 15, 16, 18, ये हमारे कंपोजिट नंबर थे। इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है वो है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 और 10, सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो 1 से लेकर 10 तक आता है वो 7 रहता है हमारे पास, ये 7 है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स, तो ऑड प्राइम जैसे 44 है, दो ऑड प्राइम का सम आना चाहिए, तो 41 + 3 ऐसे लिख लिए, 44 का 3 + 41, 36 प्राइम नंबर 5 किया है इसमें, 24 में हमने 5 और 19, 18 है तो 5 और 13, तो हमारे ये क्वेश्चन भी हो गया। अब जो हमारे पास क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर सेवन में लिखा है, गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2, ऐसे पेयर्स लिखने हैं मुझे 3 जिनका डिफरेंस क्या रहे प्राइम नंबर्स का, 2 रहे। तो मैं राइट कर लेता हूँ, यहीं कर लेते हैं राइट। क्वेश्चन नंबर हम पढ़ रहे हैं अभी 7 के लिए, तो पेयर्स लिखेंगे, पहला 5 और 7 हो गया, और दूसरा रहेगा 11 और 13, तीसरा रहेगा 17 और 19, ये 3 पेयर बन गए जिनका डिफरेंस क्या रहता है, हमेशा 2 रहता है। अब जो नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर
प्राइम, कौन कौन से नंबर प्राइम है और कौन कौन से प्राइम नहीं है। तो यही दिख रहा है 23 प्राइम नंबर है और 37 भी क्या है प्राइम नंबर है। तो दो प्राइम नंबर थे हमारे पास, हमने वो टिक कर लिए। आगे लिखा राइट द 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। तो लेस देन 100 के बीच में लिखने हैं और उनके बीच में कोई भी प्राइम नहीं आना चाहिए। 7 लिखने हैं 100 से पीछे वाले। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास अब। तो हम राइट कर रहे हैं प्राइम नंबर, तो हमारे पास कंपोजिट नंबर लिखने 90 आ गया। दूसरा आएगा 91, 92, 93, 94, 95, 96। तो हमने ये भी राइट कर लिए। अब दोबारा से क्वेश्चन, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोबारा से हमारे पास वो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड पेयर। अब जो आंसर आएगा वो 3 ऑड पेयर्स का आना चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन था तो नेक्स्ट रहता है 3 ऑड पेयर। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में जो ए पार्ट रहेगा 21, तो 3 ऑड पेयर बनने चाहिए जिनका सम आता है। तो पहला 3 लिखा, 5 लिखा, 8 हो गया, 8 और 13 दैट इज 21। और बी पार्ट है, बी पार्ट 31, 31 में 7, 11, 13। दोबारा से आ गया। अब सी पार्ट है 53, तो 53 में भी रहेगा 11, 19, 23। तो इनको ऐड करें तो 53 ही आएगा आंसर। इसका जो डी पार्ट है 61, तो 61 भी ऐसे 3 प्लस 5 प्लस 53। अगर कोई और पेयर बनते हैं तो वो भी बन सकते हैं जिनका सम क्या है इनके बराबर आ जाए। जैसे 21 का ही और बना लेते हैं, जैसे 3 प्लस 7 प्लस 11। तो इसका आंसर 10 आया, 10 प्लस 11 द्वारा से 21 होता है। तो ये भी आंसर क्या आएगा सेम। हम कोई भी ऑड नंबर लेके इनको अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में राइट किया है राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हूज सम इज डिविजिबल बाय 5। ऐसे पेयर्स लिखने हैं प्राइम नंबर्स के जिनका जो सम डिवाइड करे 5। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो फर्स्ट जो पेयर रहेगा हमारे पास ये 2 एंड 3 हो गया। अगर 2 प्लस 3 करें 5 आता है। दूसरा पेयर आ गया 2 एंड 13, 15 आंसर 5 के टेबल में आता है। 3 एंड 17, 20 आ गया। 7 एंड 13 दोबारा 20 हो गया। 11 एंड 9, ये भी किस में आ गया, 11 और 9 भी, सॉरी 11 और 9 नहीं आएगा। हमें प्राइम नंबर्स ही लेने थे। प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 2 और 13 भी प्राइम नंबर है, 3 और 17 भी प्राइम नंबर है, और 7 और 13 भी प्राइम नंबर है। बस लास्ट क्वेश्चन रहता है इस एक्सरसाइज का फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है द नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। ऐसा नंबर बताओ जिसके दो फैक्टर्स बने, दो फैक्टर वाला होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आगे अ नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड मोर, किसी के दो से ज्यादा फैक्टर हो वो होता है कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर सी पार्ट है, वन इज आइदर, तो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, तो इधर लिखना है प्राइम, इधर कंपोजिट, तो ये आएगा तो मैं इधर लिख रहा हूं प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है टू। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, तो द स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर रहेगा वो फोर होता है, और द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो इवन नंबर भी दोबारा से टू ही होगा। तो हमारा इसी के साथ ये एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो जाती है। थैंक यू।